तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिडन सिक्स। मैंने कहा कि एक वीडियो में अगर डाला ना तो आप लोगों के दिल को कुछ हो जाना है, 50-60 मिनट की तो पूरी एक वीडियो निकल आए, तो दो आप लोग देख लेते हैं। तो थोरेसिक एओर्टिक डिस्रप्शन जो है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आफ्टर एन ऑटोमोबाइल कोलाइजन और फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट एंड रिजल्ट्स इन सडन डेथ बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल। के सीन कुछ इस तरह है कि कोई ऑटोमोबाइल कोलाइजन हुई है, ये बंदा बहुत ऊपर से गिरा है, रीज़न क्या होता क्या कि आपकी एओर्टा थोरेसिक रीजन में डिस्रप्ट हो जाती है और सडन डेथ, एओर्टा सारी बॉडी की सप्लाई है, ठीक है, तो सडन डेथ हो जाती है हॉस्पिटल जाने से पहले ही। पेशेंट रिमेन्स स्टेबल इफ़ एडवेंटिशिया इज इंटैक्ट बाय सम हाउ, ठीक है, आपको पता है कि लेयर्स होती हैं इंटीमा, एडवेंटिशिया और पता नहीं क्या, तो अगर एडवेंटिशिया थोड़ी बहुत बच जाती है तो सप्लाई तो जाएगी, ठीक है, बेशक डिसरप्ट हुई है लेकिन सम हाउ सप्लाई जाएगी, तो बंदे के बचने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही डिसरप्ट हो गया तो डेथ हो जाएगी। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ टेयरिंग क्या होती है, प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, यह असेंडिंग है, ठीक है, उसके बाद जहाँ से डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, उसने नीचे आना है, तो डिसेंडिंग पार्ट जो होता है, ये प्रॉक्सिमल जो पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, नियर वेयर द लेफ्ट सबक्लेवियन ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम द एओर्टा, के एओर्टा ऐसे आती है ना, ठीक है, हार्ट से निकली है तो आर्च ऑफ एओर्टा बनती है ना, ठीक है, तो आर्च ऑफ एओर्टा प्रॉक्सिमल, यहाँ से जब इसने नीचे जाना है तो यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी निकल जाती है जिसने सप्लाई देनी है आपकी बाजू को, ठीक है, तो जहाँ पर ये निकल रही है ना, अब ये वीक पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे डिसरप्शन हो सकती है, अगर यहाँ पे ये कट गई है तो क्या होगा कि सारे का सारा ब्लड ज़ाया हो जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ठीक है, तो वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में बाहर निकल आएगा और बंदे की डेथ हो जाएगी। तो डिसेंडिंग एओर्टा जहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी अपनी ब्रांच लेके जाती है, यानी कि ब्रांच ऑफ हो जाती है, उसके बाद जो है सैल्वेज इज़ फ्रीक्वेंटली पॉसिबल इफ़ एओर्टिक रप्चर इज़ आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड अर्ली, ठीक है, तो सल्वेज जो होता है ये पॉसिबल होता है बंदे का जो सरवाइव कर जाते हैं, अगर जो है जल्दी पता चल जाए रप्चर का और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गोल्डन आर वाली सीन। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, नो स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, लेकिन इसको सस्पेक्ट करना है इन पेशेंट्स विद एसिमेट्री, ठीक है, जो बंदे एसिमेट्री जिनकी आपको नज़र आती है, ठीक है, तो उनमें आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, इसको कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स नहीं है। एसिमेट्री किस चीज़ की, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी ब्लड प्रेशर की, ठीक है, कि अगर आपने अपर लिम का ब्लड प्रेशर चेक किया और लोअर का किया तो चलो सबक्लेवियन के सप्लाई जा रही थी, ठीक है, सबक्लेवियन के नीचे से टूटी है, तो ऊपर अपर लिम का प्रेशर ठीक है लेकिन लोअर लिम का ब्लड प्रेशर बहुत डाउन है, या लोअर लिम का ठीक है अपर का डाउन है, तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, उसका क्या मतलब है, मेन आर्टरी ने मसला किया, एओर्टा ने मसला किया, तो एसिमेट्री जो होती है अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी ब्लड प्रेशर्स की, उसके अलावा वाइडेंट पल्स प्रेशर और चेस्ट वॉल में कॉन्ट्यूजन आपको नज़र आए, इतना सारा खून निकला है तो कॉन्ट्यूजन तो बनेगी, ठीक है, तो ये जो है इसके इतने कोई स्पेसिफिक फीचर्स नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ों में आ सकते हैं, लेकिन जो है इसके भी फीचर्स कुछ इसी तरह के हैं। चेस्ट एक्सरे जब आप कराएंगे तो वाइडन मेरियास्टिनम बहुत खुली होगी, क्यों, उसमें ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, द डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड बाय आर्टीरियल फेस सीटी स्कैन ऑफ मेरियास्टिनम, ठीक है, कि आप जो है सीटी स्कैन कराएं मेरियास्टिनम का आर्टीरियल फेस वाला, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वाकई यही है, ठीक है, लेकिन ये लाइफ स्टैंडिंग है, इतना काम इतनी जल्दी जल्दी इसकी मैनेजमेंट करनी होती है, अक्सर तो बंदे हॉस्पिटल जाते जाते मर जाते हैं, तो इस वजह से जो है कंफर्म कराने के, ये स्कैन्स कराने का इतना टाइम नहीं होता, क्लिनिकल जो डायग्नोसिस होती है उनकी बेस पर ही मैनेजमेंट करना पड़ती है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या करना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लेस देन 100 mmHg रखना है, एंडोवैस्कुलर इंट्रा एओर्टिक स्टंट डालते हैं, टीयर जो है या फिर स्टंट डाल दो, ठीक है, या फिर टीयर को रिपेयर करते हैं डायरेक्ट रिपेयर से, ठीक है, या फिर जो है एक्साइज कर दो, या एक्सीजन का जो मेथड होता है, या ग्राफ्टिंग करते हैं, ये डिफरेंट मेथड्स जो हैं ये उसमें लिखे हुए हैं, जो सर्जरी ग्राफ्टिंग वगैरह, यहाँ पे कौन सा था चैप्टर है एक, वो करना नहीं है वैसे हमने, तो इतना तो आपको बेसिक तो आइडिया होगा ही कि जो टेयर है उसको कैसे रिपेयर करते हैं, डायरेक्ट रिपेयर होता है, ठीक है, उसको पकड़ के सूचर कर देते हैं, एक्सीजन मेथड होता है, या ग्राफ्टिंग कर देते हैं, तो ये जो मेथड्स हैं इसके थ्रू इसकी जो है ये इनिशियल मैनेजमेंट बस यही है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद जो है जो टीयर है उसको मैनेज करना है। देन ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरी हो जाती है, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी है, मोस्ट पेशेंट डाई एट द सीन इफ देयर इज कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, अगर बिल्कुल कट गया है तो फिर तो गले ही कट गया फर्ज करें उसका, तो फिर आपके ट्रेकिया ऊपर से हवा जाएगी नहीं अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। सीवियर सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा विद रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज कैन सजेस्ट ट्रेकियो ब्रोंकियल डिस्रप्शन, कि अगर रेस्पिरेटरी जो सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा हो गया सीवियर किस्म का अचानक से, ठीक है, साथ उसके क्या हुआ है रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज तो हो गई,
ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अचानक से सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा जो सीवियर किस्म का हो गया, इसका मतलब है ट्रेकिया ब्रोंकियल डिसरप्शन हो गई है, बंदे को सांस नहीं आ रहा। क्लिनिकल फीचर ये हैं, ओनली पार्शल इंजरीज विल प्रेजेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि पार्शल इंजरीज जो होती है ना कि कंप्लीट नहीं कटा, ठीक है, उसकी ट्रेकिया ब्रोंकियल ट्री, तो ये आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पार्शल इंजरीज आती हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है उनको। आफ्टर चेस्ट इंट्यूबेशन ऑन द अफेक्टेड साइड देर विल बी अ लार्ज एयर लीक इन द अंडर वाटर सील एंड द कोलैप्स लंग मे फेल टू रीएक्सपैंड, कि जब आप वहाँ पे आप चेस्ट ट्यूब डालते हैं ना, अचानक से हवा बहुत सारी बाहर निकल आती है, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या मतलब था कि हवा अंदर की अंदर ट्रैप हो गई थी, फिर आप उसको चेस्ट इंट्यूबेशन वगैरह करते हैं तो वो एयर लीक जब करते हैं ना, तो वो आपके जो वाटर पोर्शन होता है, अंडर वाटर सील होती है, वहाँ पे बबल्स बन जाते हैं, उसे पता चल जाता है, ठीक है, कि हवा निकली है। तो अक्सर इस तरह होता है कि जो लंग कोलैप्स हुआ था वो दोबारा से रीएक्सपैंड नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये है, दे आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सेकेंडरी सर्वे यूजली आफ्टर चेस्ट इंट्यूबेशन, क्योंकि हिडन है, ठीक है, इनका नहीं पता चलता, तो सेकेंडरी सर्वे में आपको इसका पता चलेगा। चेस्ट इंट्यूबेशन जब आप करोगे तो अचानक से हवा इतनी सारी बाहर निकली है, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि ओ ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरी हुई थी। उसके बाद जो है सेकेंड, द लंग फ्लायल टू रीएक्सपैंड, अच्छा सॉरी, फेल टू रीएक्सपैंड आफ्टर चेस्ट इंट्यूबेशन अ सेकेंड ड्रेन शुड बी इंसर्टेड, कि अगर आपने एक ट्यूब डाली है उसकी वजह से चेस्ट ने वो नहीं किया, फिर सेकेंड ड्रेन डालना पड़ती है, कि अब आप उसको छोड़ तो नहीं दोगे कोलैप्स लंग को। मोस्ट इंजरीज इन्वॉल्व ट्रेकियल बायफर्केशन, सो ब्रोंकोस्कोपी इज डायग्नोस्टिक, ठीक है, कि ट्रेकिया की बायफर्केशन हो जाती है, मोस्ट इंजरीज में कट जाती है बिल्कुल, तो उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी करना पड़ती है, कि वो अंदर जाके खुद देखते हैं कि किस लेवल पे कटी है। मोस्ट इंजरीज इन्वॉल्व ट्रेकिया, अच्छा, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ऑफ द अनअफेक्टेड ब्रोंकस फॉलोड बाय ऑपरेटिव रिपेयर, कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं, ठीक है, जो अनअफेक्टेड साइड होती है वहाँ पे आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं और फिर बाद में ऑपरेशन करते हैं, उसके ऑपरेशन से इसको रिपेयर करते हैं। देन मायोकार्डियल कॉन्ट्यूजन आ जाती है, ब्लंट इंजरी अगर आपकी पेरिकार्डियम पे होती है तो सेकेंडरी सर्वे में भी ये चीज़ें हिडन होती हैं, तो सेकेंडरी में पता चलती हैं। सो ECG और इको वगैरह से आपको पता चलता है। क्लिनिकल फीचर्स यही हैं, एसिम्प्टोमेटिक होता है, हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया के सिम्टम्स आएंगे, कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह को वो जाहिर करेंगे, उसके अलावा डिसरिदमियाज, एबनॉर्मल ECG फाइंडिंग्स होंगी, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कंट्यूजन हुई हुई है। मैनेजमेंट इसकी या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, जब तक बंदा अगर हीमोडायनामिकली स्टेबल है, ठीक है, तो फिर उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहते हैं भाई, जो एनल्जीजियाज वगैरह देंगे और ब्लड वगैरह लगाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आइनोट्रॉपिक सपोर्टिंग ब्लड प्रेशर इज़ फॉलिंग डाउन, अगर BP कम हो ही जा रहा है तो फिर आइनोट्रॉपिक सपोर्ट देना पड़ेगा। पेशेंट शुड बी क्लोजली मोनिटर्ड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सडन कार्डियक एरिदमियाज, अचानक से उनको एरिदमियाज हो सकते हैं, तो फिर इसके लिए क्लोजली उसको मोनिटर करते रहें। रेयरली रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। उसके बाद आता है डायफ्रामेटिक रप्चर, डायफ्राम ब्लंट इंजरी होती है, कॉमनेस्ट कॉजेस की यही है। दे आर मोस्टली ऑन द लेफ्ट साइड एज ऑन राइट साइड लिवर टेक्स मोस्ट ऑफ द ट्रॉमा इंजरी, के राइट साइड पे जो है वो लिवर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई इंजरी आएगी तो वो लिवर को लगेगी, डायफ्राम बच जाता है, लेकिन जो है लेफ्ट साइड वो खाली है, ठीक है, तो मोस्टली लेफ्ट साइड पे डायफ्राम रप्चर हो जाता है। तो क्या होता है, एब्डोमिनल विसराज लाइक स्टमक और ट्रांसवर्स कोलोन आर सक्ड इनसाइड थोरेक्स ड्यू टू नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, कि जो आपका थोरेक्स है उसका प्रेशर आपको पता है नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, तो आपकी बाकी बॉडी से उसका प्रेशर कम है, सो वो जैसे कोई चीज़ सक हो जाती है अंदर, तो वो जो आपके विसराज हैं अगर इसकी इंजरी हुई है डायफ्राम की, तो वो ऊपर सक हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, आपका स्टमक जो है या फिर आपकी ट्रांसवर्स कोलोन। सो क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं, मंथ्स के महीने इसका पता ही नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी इफ़ लार्ज टीयर्स कॉज मोर हर्निएशन, कि अगर जो है लार्ज टीयर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मसला हुआ है, तो फिर रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी आएगी, कि ज़्यादा ऑर्गन्स ऊपर आ गए हैं, तो फिर ऊपर आके तो उन्होंने मसला करेंगे सांस में, वो आपके लंग्स सही से इन्फ्लेट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी आएगी। डायग्नोज किया जाता है एक्सरे पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में शो द हर्निएटेड स्टमक इनटू द थोरेक्स, कि आपने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली थी, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के आपने क्या करना है, एक्सरे कराना है, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आपके स्टमक में जाती है ना वो, तो जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो वो चेस्ट कंपार्टमेंट में आपको दिखेगी, इसका मतलब है स्टमक भी चेस्ट में आया हुआ, ऊपर आया हुआ है, तो इससे आप डायग्नोज कर लेंगे। मैनेजमेंट इसकी क्या है, डायग्नोज ड्यूरिंग सेकेंडरी सर्वे, वही बात, CT स्कैन जो होता है विद कॉन्ट्रास्ट इज़ यूजली डायग्नोस्टिक, कि आप कॉन्ट्रास्ट मटीरियल डाल के CT स्कैन कर दो, उसे भी डायग्नोज हो जाता है। मोस्ट एक्यूरेट इवैल्यूएशन इज़ बाय वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी, वार्ट्स जो होती है और लैप्रोस्कोपी, एट टाइम्स ऑन एक्सरे चेस्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है वो विजिबल हो जाती है थोरेक्स में, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि डायफ्राम रप्चर होकर ऊपर आया हुआ है जो आपका स्टमक है।
उसके बाद ऑपरेटिव रिपेयर जो है रिकमेंडेड अगर थोरेक्स इज इन बिकॉज थोरेक्स इज अ नेगेटिव प्रेशर एंड एब्डोमेन इज अ पॉजिटिव प्रेशर द हर्निएटेड कंटेंट में स्ट्रैंगुलेट लीडिंग टू हाई वेरी हाई मोर्टैलिटी कि वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है तो वो आपस में उलझ के आपके अगर इंटेस्टाइन ऊपर आ गए या कुछ तो फिर वो आपके विजरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजराज हैं ठीक है ये तो ये आपस में स्ट्रैंगुलेट कर सकते हैं आपके लंग्स को तंग करेंगे और फिर इसकी वजह से जो है मोर्टैलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद एब्डोमिनल अप्रोच अब इसके दो अप्रोचेज होते हैं या आप थोरेसिक अप्रोच करोगे ठीक है इसको अप्रोच करना है अगर आपने एब्डोमिनल वे पे कर सकते हैं अगर एब्डोमिन से किया है अगर एक्यूट है ना तो आप जो है एब्डोमिनल अप्रोच करोगे अगर जल्दी पता चल गया तो। लेकिन अगर थोरेसिक अप्रोच आपने कब करना है जब रप्चर क्रॉनिक हो गया था ओल्ड रप्चर था एडहीजन बन चुकी होंगी अब आप नीचे से एब्डोमिन से आप क्या वो नहीं कर सकोगे ठीक है पहले अगर एक्यूट होता है ना तो अभी कोई एडहीजन नहीं है वो पक्का नहीं हुआ वहाँ पे तो आप एब्डोमिन से इंसीजन लगा के उसको वापस नीचे खींच लेते हैं और रिपेयर कर लेते हैं उसको। लेकिन जो है लेकिन अगर पुराना हो गया है तो फिर आप उसको पीछे को नीचे को नहीं खींच सकेंगे क्योंकि एडहीजन बन गई हैं काफ़ी टाइम हो गया है तो फिर इसलिए एब्डोमिन उसको थोरेसिक अप्रोच करना पड़ती है फिर उसको रिपेयर करना पड़ता है। आफ्टर रिड्यूसिंग द कंटेंट्स लार्जर टीयर्स आर रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल प्रोलीन मैश आफ्टर क्लोजिंग द पेराइटल प्लूरा के जो सूचर्स वगैरह लगाते हैं वो आपने कैसे करना नॉन एब्जॉर्बेबल प्रोलीन मैश वगैरह से स्मॉल टीयर्स हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लाइक प्रोलीन नंबर वन इंटरप्टेड सूचर्स आर प्लेस्ड विच कॉज लेस वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज एज डायफ्राम हैज सेगमेंटल ब्लड सप्लाई ठीक है तो फिर अगर स्मॉल टीयर्स हैं तो आप जो है प्रोलीन नंबर वन इंटरप्टेड सूचर्स यूज़ कर लें उससे वेसल्स को अफेक्ट कम होगा और मसला जल्दी ठीक हो जाएगा। ईसोफेगल रप्चर आ जाता है सर्वाइकल ईसोफेगल इंजरी इज मोर कॉमन दैन थोरेसिक ईसोफेगस के सर्वाइकल एरिया जो होता है वहाँ पे ईसोफेगस ज़्यादा हो सकती है इंजर ठीक है वहाँ पे ज़्यादा प्रोन होती है लेकिन जो थोरेक्स है उसमें ये छुपी होती है तो फिर इंजरी बाकी एरिया को आती है इसको कम आती है। ब्लंट इंजरी इसमें रेयर होती है फोर्सफुल इंजेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द ईसोफेगस फ्रॉम अ सीवियर ब्लो टू द अपर एब्डोमेन रिजल्टिंग इन अ लीनियर टीयर इन द लोअर ईसोफेगस अलाउइंग लीकेज इनटू द मेडियास्टिनम कि अगर आपके जो अपर एब्डोमेन पे कोई चीज़ जो है या कोई कि फोर्सफुली क्या हुआ है कि इतनी फोर्स लगी है आपके अपर एब्डोमेन में कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट थे वो ऊपर आ गए वैसे तो वाल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं लेकिन जो है इतनी फोर्स थी कि उन्होंने वाल्व्स जो हैं उनको खोल के कंटेंट ऊपर आया है ठीक है तो फिर अगर इतनी फोर्स से आएगा तो आपकी ईसोफेगस रप्चर हो जाएगी तो ईसोफेगस रप्चर हो गए तो जो चीज़ें हैं उसके अंदर एसिडिक कंटेंट है ये सारा ठीक है तो ईसोफेगस वो बर्दाश्त नहीं कर सकती बस आपका स्टमक बनाया हुआ अल्लाह पाक ने ये इसको बर्दाश्त करने के लिए तो या आपकी इंटेस्टाइन बर्दाश्त कर सकती है ईसोफेगस जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती एसिडिटी को ठीक है वो इतना ज़्यादा एसिड जो है स्टमक की पीएच इतनी दो तक चली जाती है दो से भी नीचे बेशक चली जाए तो इतनी हाई पीएच सॉरी लो पीएच जो है अगर वो ईसोफेगस में आएगी तो ईसोफेगस तो एसिड से डैमेज हो जाएगी ठीक है तो स्टमक ही बना है इस तरह का कि वो इस एसिडिक पीएच को बर्दाश्त करता है तो इसमें आ जाएंगे रप्चर्स ठीक है टीयर्स आ जाएंगे तो उसकी वजह से जो कंटेंट है वो लीक आउट हो जाएगा मेडियास्टिनम के अंदर ईसोफेगस हैज़ नो सिरोसल कवरिंग एंड परफोरेशन रिजल्ट्स इन डायरेक्ट ड्रेनेज ऑफ इनटू द कि इसके ऊपर अंदर सिरोसा नहीं है जो कि आपके स्टमक के अंदर है तो फिर उसकी वजह से डायरेक्ट ड्रेनेज हो जाएगा मेडियास्टिनम के अंदर कंटामिनेटेड मटीरियल जो है प्लूरल स्पेस में जाएगा नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है सक हो जाएगा कहाँ पे आपके प्लूरल स्पेस के अंदर रिजल्ट्स इन सबक्यूटेनियस और मेडियास्टिनल एम्फिसीमा प्लूरल एफ्यूजन रीट्रो ईसोफेगियल एयर एंड अनएक्सप्लेन्ड फीवर 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि लोकेशन पे डिपेंड करते हैं टेबल वन कि अगर सर्वाइकल परफोरेशन हुई है सर्वाइकल के लेवल पे हुई है ना तो खाली क्रैपिटा सुनाई देगा लेकिन अगर सर्वाइकल ईसोफेगल परफोरेशन हुई है ठीक है कि ईसोफेगस के अंदर परफोरेशन हुई है तो सर्वाइकल टेंडरनेस भी होगी पेन भी आएगी पैसिव रेंज ऑफ मोशन अगर सर्वाइकल की है वो भी कम हो जाएगी रेजिस्टेंस आएगी डिसनिया होगा हॉर्सनेस के अब ये एरिया अगर इसको मसला होगा ना ईसोफेगस को तो साथ इसके ट्रेक क्या है तो डिसनिया हॉर्सनेस ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से ब्लीडिंग आएगी कफ करेगा बंदा स्ट्राइडर और ये सारे देन अगर इंट्राथोरेसिक परफोरेशन हुई है थोरेक्स के लेवल पे हुई है सो नेक में क्रैपिटस तो आएगा उसके साथ साथ मेडियास्टिनल एम्फिसीमा आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे कंटेंट्स लीक हुए हैं मेडियास्टिनाइटिस हो जाएगा उसके बाद एब्डोमिनल के लेवल पे अगर ईसोफेगस टियर हुई है तो पेरिटोनियल इरिटेशन ठीक है डिस्निया और प्लूराइटिक पेन ब्लर हो जाता है पता नहीं
देन मैनेजमेंट इसकी यही है, डायग्नोस डिफिकल्ट होता है इसका डायग्नोसिस। एक्सरे फाइंडिंग्स जो हैं उसमें आप क्या करेंगे, मेडियास्टिनल एयर आपको एक्सरे में नज़र आएगी, ठीक है, उसके अलावा वाइडेंड मेडियास्टिनम होगा, न्यूमोथॉरेक्स, प्यूरल फ्यूजन, एम्फिसीमा जो हमने साइंस ऊपर पढ़े हैं, ये साइंस जो होते हैं ये कॉमन होते हैं, ये आ सकते हैं। इसोफेगोस्कोपी कम्बाइंड विद इसोफेगोग्राम कैन डिटेक्ट 90% ऑफ इसोफेगल इंजरी, ठीक है। इसोफेगस को अंदर वो कैथेटर के थ्रू कैमरा डाल के तो वो देख लेते हैं, तो इसोफेगोग्राम और इसोफेगोस्कोपी की हेल्प से 90% इंजरीज पकड़ी जाती हैं। ट्रीटमेंट जो है इसका यही है, सस्पेंशन ऑफ ऑल ओरल इनटेक्स, ठीक है, कोई भी ओरल इनटेक नहीं लेनी, नेजोगैस्ट्रिक एस्पायरेशन होगी। अब इसकी आईवी एंटीबायोटिक्स दें, फ्लूइड्स रिसुसिटेशन करें, चेस्ट ट्यूब इज प्लेस इफ देयर इज न्यूमोथोरेक्स और हाइड्रोथोरेक्स। ऑपरेटिव रिपेयर करना होता है इसका, ड्रेनेज ऑफ द प्लूरल स्पेस जो है उसको भी आपने चेक करना होता है, तो प्लूरल स्पेस में जो भी मसला होगा उसको भी साथ साथ ठीक करना है। अब जो लास्ट हिडन सिक्स का पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन रह गया है, पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन क्या होता है कि इज़ द ब्रूजिंग ऑफ लंग टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अ शॉक वेव ऑफ फोर्स थ्रू द पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स उसने लगाई है कि उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो उसकी है पल्मोनरी जो आपका लंग टिश्यू है उसके ऊपर ब्रूजिंग हो गई है, उसकी वहाँ की कैपिलरीज रप्चर हुई हैं, तो उसकी वजह से कॉन्ट्यूजन्स बन जाएंगे, ठीक है, कि क्या हुआ है शॉक वेव ऑफ फोर्स, कि फोर्सफुल जो है पैरेन्काइमा ने इतनी फोर्स लगाई है आपके लंग टिश्यू के ऊपर कि जो है कॉन्ट्यूजन बन गया। डिफ्यूज हैमरेजेस फॉलोज एज वेल एज इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर एडिमा। डिफ्यूज हैमरेज कॉन्ट्यूजन का मतलब ये हैमरेज हुआ है, ठीक है, उसके साथ साथ इंटरस्टिशियल और एल्वियोलर एडिमा होगा, उसकी वजह से इंपेयरमेंट ऑफ गैस एक्सचेंज एट द गैस टिश्यू इंटरफेस, ठीक है, गैस एक्सचेंज जो है वो अब रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि इंटरस्टिशियल एल्वियुलर एडिमा हो गया, पल्मोनरी कंट्यूजन है ना, तो एल्वियुलाई में एडिमा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में एडिमा है, तो फिर उसकी वजह से जब आपके एल्वियुलाइज पानी से भर गए हैं, फर्ज करें वो पानी एडिमा फ्लूइड जो होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, गैस एक्सचेंज जो है वो रुक जाएगी एट द गैस टिश्यू इंटरफेस, इट इज़ पोटेंशियली लीथल इंजरी एंड इज़ मोर कॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया आफ्टर ब्लंट ट्रॉमा। कीप्स ऑन वर्सनिंग 24-48 घंटे में ये बढ़ती रहेगी। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स जो हैं वो डिले हो जाती हैं, इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन जो होता है वो कराएं आप। हिमोप्टिसिस और ब्लड इन द एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है 50% केसेस में जो ब्लड आ जाता है हिमोप्टिसिस हो जाती है। माइल्ड कॉन्ट्यूजन है तो उसकी ट्रीटमेंट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके अलावा एग्रेसिव पल्मोनरी टॉयलेट और गुड एनाल्जीजिया, ये पल्मोनरी टॉयलेट में इस तरह सेक्रेशन वगैरह को क्लियर ही करते हैं। उसके बाद जो है इसकी ट्रीट माइल्ड है तो उसमें क्या करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करें, अग्रेसिव पल्मोनरी टॉयलेट और एनाल्जीजिया देने पेन वगैरह के लिए। लेकिन अगर मोर सिवियर केसेस हैं तो मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, अब सांस का मसला जो है वो अब लंग्स अपना काम नहीं कर पाएंगे तो मैकेनिकल वेंटिलेशन, अब खाली ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा। और फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएँ एज नॉर्मोवोलीमिया इज़ क्रिटिकल फॉर एडिक्वेट परफ्यूजन, ठीक है, कि अगर वो नॉर्मल वॉल्यूम हो जाएगा तो फिर वो भी मसला करेगा, तो इसलिए फ्लूइड्स वगैरह नहीं लगाने। अब आ जाता है रिसुसिटेटिव थेरेक्टमी, ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। अब ये जो मसले हुए थे इनको ठीक करने के लिए हमने डिफरेंट नाम पढ़े थे, ठीक है, तो रिसुसिटेटिव होते हैं कि इनको बचाने के लिए जो भी आप थेरेक्टमी वगैरह करते हो, थोरेसिक सर्जन अवेलेबल हो तो ये किए जाते हैं। यूजुअल इंडिकेशंस क्या हैं कि अगर पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा हुआ है तो आप करते हैं, या फिर एओर्टा डिस्ट्रप्शन हुई है फॉर क्रॉस क्लैंपिंग ऑफ एओर्टा, या फिर कार्डियक मैसेज जो है वो ओपन कार्डियक मसाज करने के लिए। प्रोसीजर्स इसके क्या हैं, सबसे पहले नीडल डिकम्प्रेशन होती है, वो हमने पढ़ा था, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में करते हैं। उसके बाद चेस्ट इंट्यूबेशन एट इज परफॉर्म इन अ ट्रायंगुलर एरिया ऑन द लैटरल पार्ट ऑफ चेस्ट कॉल्ड एज ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी एंटीरियरली। अब इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें आपसे पूछने वाली हैं भी, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी है वो क्या है, ठीक है। एंटीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पैक्ट मेजर है, ठीक है, इसके पीछे क्या है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटिसमस डॉर्साई। आप खुद इमेजिन करें कि आपका पैक्ट मेजर मसल जो है वो एंटीरियर है, ठीक है, और पीछे उसके क्या है, लैटिसमस डॉर्साई, और जो है इसकी एपेक्स इस ट्रायंगल की कहाँ बनती है, एक्जिला के अंदर, और इसकी बेस क्या है, ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब एट द लेवल ऑफ निप्पल, ठीक है, ये है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। इसके अंदर कोई जो है वो नहीं है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर चेस्ट इंट्यूबेशन की जाती है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी स्पेस, एक एक पॉइंट करके लिखा हुआ है कैसे करना है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो रीड कर लीजिएगा, मतलब शायद इम्पॉर्टेंट हो, बट मैं गंदी चीज़ें नहीं पढ़ती, मुझे ये पसंद नहीं है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस हमने पढ़ा था, ये जो उसका था टैम्पनेड की मैनेजमेंट थी, ये टेम्परेरी मैयर फॉर पेरिकार्डियल टैम्पनेड। इसमें क्या करते हैं, बंदे को सुपाइन लेटाते हैं, इसीलिए मशीन साथ उसके अटैच कर देते हैं,
लोकल एनेस्थीजिया अगर उसको डाल देना है, लोकल एनेस्थीजिया कहाँ पे लगाना है, Z4 प्रोसेस पे, ठीक है। और इसको वॉश करना है पहले, उसका जो ज़ख़म होगा या जो भी मसला होगा उसकी बॉडी को आपने, बेशक ज़ख़म नहीं भी है उस एरिया को साफ़ करें पोविडीन के साथ, देन वहाँ पे लोकल एनेस्थीजिया लगाएं अंडर Z4 प्रोसेस। 18 गाज का नीडल होता है, 12-15 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, वो लेना है, नीडल को आपने सिरिंज के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्किन को आपने पंक्चर करना है, ठीक है, कहाँ पे, फॉरवर्ड स्कैपुला की टिप की तरफ जाना है आपने, ठीक है। तो गिव वे मतलब कि Z4 के लेवल पे आपने एनेस्थीजिया दिया है ना, तो वहाँ से आपने नीडल डालनी है और किस तरफ जानी है कि स्कैपुला की टिप की तरफ आप नीडल लेके जाएं। यू मे गेट द गिव वे सेंसेशन एंड ब्लड इज एस्पायरेटेड फ्रॉम पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। आपने ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो फिर ऐसे आपको जो ब्लड है इसके अंदर जो है आप एस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। टच द मायोकार्डियम एंड देर इज चेंजेस इन ECG मोनिटर वाइडन QRS कॉम्प्लेक्स। ECG साथ लगी हुई है, जब ये मायोकार्डियम को टच करेगी आपकी सिरिंज तो पता चल जाएगा, क्योंकि मायोकार्डियम में उसमें ECG में चेंजेस आ जाएंगे, QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, ब्लड को एस्पायर कर दिया जाता है, कैथेटर डाल दिया जाता है, कैथेटर को फिक्स करना है, अपने स्किन के साथ ड्रेसिंग लगा दी जाती है। अगर सिम्टम्स प्रजिस्ट करते हैं फर्दर ब्लड को बाद में, ताकि वो कैथेटर डाला है ना कि फर्दर जो ब्लड होगा वो फिर बाद में भी निकाला जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं कि मायोकार्डियम आपने डैमेज कर दी या फिर वैसल को इंजरी कर दी है, न्यूमोथॉरेक्स अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो फिर नीचे लंग में न्यूमोथॉरेक्स हो जाएगी, एसोफेगस है उसको इंजरी हो सकती है, वेंट्रिकल में फिब्रिलेशन हो सकती है, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो हर चीज़ ख्याल से करनी होती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।